हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ पोटली पर्स, बहुत ही प्यारा सा। तो पार्टी वेयर पोटली पर्स होने वाला है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो देखिए, एक सर्कल मैंने कट कर लिया है चालर फोल्ड करके 3 इंच का निशान लगाते हुए। तो ये 6x6 इंच का ये पूरा सर्कल हमारा कट हो जाएगा। तो पहले मैंने कागज पर कट कर लिया, फिर कपड़े पर कट कर लिया। अब इसका पूरा राउंड आपको नापना है। तो देखिए, पूरा राउंड मैंने इसका नापा है 18.5 इंच करीब ये आ रहा है। तो देखिए, 18.5 इंच का हम ऊपर का कपड़ा लेंगे। तो देखिए, 18.5 इंच चौड़ाई में मैंने ये कपड़ा ले लिया और इसकी लंबाई में 9.5 इंच ले रही हूँ। तो 9.5 इंच पर हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं और इसको हम सीधा निशान लगा के कट कर देते हैं। तो ये मैं ब्लाउज की मैचिंग का इसको बना रही हूँ और साइड से जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब देखिए, अस्तर और फॉर्म इसमें मैंने लगा लिया है, जो नीचे वाला राउंड था उसमें। अब मैं फिर से इसको नाप लेती हूँ एक बार, जो हमने 18.5x9.5 इंच का जो पीस हमने कट किया है उसको इस राउंड से, क्योंकि इसमें फॉर्म वगैरह लगा दी है तो सिलाई वगैरह से थोड़ा बहुत छोटा भी हो गया, हल्का सा हो जाता है। और देखिए, 1 इंच करीब इसमें ये बड़ा बैठ रहा है तो इसको मैं कट कर देती हूँ। तो बिल्कुल फिक्स आना चाहिए ये, आपको फिर से आपको नाप के देख लेना है। अब देखिए, जो हमारा मेन कपड़ा था उसमें मैंने अस्तर लगा के अटैच कर दिया। इसमें मैं एक बार प्रेस लगा लेती हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, प्रेस वगैरह कर लिया अच्छे से, फिर हम फिनिशिंग दे देते हैं इसमें। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर दिया है। नीचे की साइड में मैंने 1 इंच छोड़ते हुए लेस को अटैच कर दिया है और मैंने 2 इंच चौड़ी ये पट्टियाँ ली हुई हैं। और देखिए, 2 इंच चौड़ी है और लंबाई मैंने करीब इसकी, देखिए आपको अभी पता चल जाएगा कि कितनी ली है। तो देखिए, इस तरीके से नाप के ली है मैंने। तो इसकी जो चौड़ाई है, आपको लंबाई इसकी पट्टी की उतनी ही लेनी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा, और दोनों साइड से आपको सिलना है इसको। और यहाँ से आपको 1.5 इंच नीचे निशान लगाना है। तो ये 1.5 इंच नीचे मैं इस पट्टी को लगाने के लिए निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें से हम डोरी डालेंगे। तो ये मैं अलग तरीके से बता रही हूँ और मैंने बहुत सारे आप लोग के साथ फ़िलहाल में ही पोटली पर्स की वीडियो शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, आपको मेरे इसी चैनल पर जाके मिल जाएगी। और अगर आपको ना मिले, और भी तरह तरह के मैंने पोटली पर्स बताए हुए हैं, अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उनका लिंक आप लोग के पास शेयर कर दूँगी। तो देखिए, ऊपर से मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया। अब जो पट्टी हमने 2 इंच चौड़ी ली थी उसको हमें इस तरीके से किनारी से पहले फोल्ड कर लेना है। तो दोनों, दो पट्टी हमने कर ली थी, उसी में से दोनों साइड, एक पट्टी की दो साइड हैं तो उसमें से हमने फोल्ड कर लिया। और देखिए, जो हमारा पर्स था, पर्स का जो कपड़ा है उसमें हमने 20 सेंटर में निशान लगा लिया और ऊपर से 1.5 इंच लेते हुए। अब जो 20 सेंटर में निशान है वहाँ से हमें 0.5 इंच करीब छोड़ना है इस तरीके से, और 0.5 इंच इधर से छोड़ना है। तो दोनों तरफ से 0.5 इंच छोड़ते हुए हमें इसको पट्टी को अटैच करना है जो लाइन है वहाँ पर ही। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इस पट्टी को अटैच कर दिया। और देखिए, लंबाई में यहाँ से भी करीब 1 इंच यहाँ से छोड़ दूंगी, 1 इंच छोटा लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा पार्ट 0.5 इंच करीब से। अब देखिए, इधर से भी मैंने 1 इंच का निशान लगाया और उधर से भी लगा दिया। अब ये जो पट्टी हमने ली है वो यहाँ तक ही हमें रखनी है और जो एक्स्ट्रा है उसको हम अंदर की साइड में पट्टी को फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, पट्टी को फोल्ड करके मैंने इस तरीके से इसमें सिलाई लगा दी है और इधर से भी जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं और इसमें भी हम अंदर की साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए, ये हो गया। अब हम देखिए, इधर से इधर जो नाप लगा हुआ है दोनों पट्टियों को अटैच करना है, अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए इस तरीके से फोल्ड करना है। और जो निशान लगाया है हमने, लाइन जो ड्रॉ की हुई है, वहीं से आपको इसको लगाना स्टार्ट करना है। तो आप बताने के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना, आपको समझ में आता जाएगा। तो देखिए, मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ और जो हमारी बीच में जो निशान हमने 20 सेंटर से 0.5 इंच इधर लेते हुए निशान लगाया था, वहाँ तक आपको इसको रखना है। तो देखिए, हम इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये निशान आ गया और यहाँ पर ही हम थोड़े से डबल सिलाई लगा देते हैं ताकि ये सिलाई निकले ना। और
इधर वाली पट्टी को भी हम सेट कर देते हैं। क्या है, चुप हो जा, थोड़ा बहुत देर चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अब देखिए इधर से भी मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। मेरा बेबी खेल रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना उसकी वॉइस को, क्योंकि अब इसके साथ में मैं ऐसे ही वॉइस ओवर कर पाती हूँ। तो देखिए इधर से हमने सीधी सिलाई लगा दी, और सेम तरीका मतलब इधर से भी आपको फोल्ड करना है और सीधी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये हमारा जो पार्ट है, हमने जो अलग से पट्टी इसमें जो लगाई है मैचिंग की ही लगानी है आपको, ये हमने डोरी डालने के लिए लगाई है। तो देखिए इस तरीके से मैंने नीचे की साइड में सिलाई लगा दी, और अब हम इसमें इसको राउंड में सिल देंगे। इस तरीके से सीधी सिलाई लगा दी इधर से भी हमने, और देखिए ये हमने जो नीचे वाला राउंड है उसको ले लिया। अब इसको हम पूरे को अटैच कर देंगे। इसमें अटैच करने के बाद में देखिए पूरा अटैच कर दिया आर्पिन की सहायता से। आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन अटैच करने से पता चल जाता है कि कितना छोटा बड़ा कोई भी दिक्कत होती है। तो अगर आपका बड़ा बैठे तो आप उसको सिलाई को साइड वाली जो हमने सिलाई लगाई हो वहाँ पर आप सिलाई लगा सकते हो, और अगर छोटा तो वैसे बैठेगा नहीं, अगर छोटा भी हो जाता है तो आपको राउंड वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा कट कर देना है। तो थोड़ा ही करना है, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा के चक्कर में ज़्यादा हो जाए। तो देखिए नीचे के जो राउंड है उसमें मैंने पाइपिंग को लगा दिया इस तरीके से। तो एक सिलाई लगा दी, फिर दूसरी सिलाई लगा दी, फिर तीसरी सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से ये हमारी सिलाई लग चुकी है नीचे से। अब चलिए इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा पर्स अभी बन चुका है फिलहाल के लिए। अब देखिए इसमें हम डोरी वगैरह डालेंगे। तो डोरी इसको मैं नाप के इस तरीके से लूँगी। आप इसमें थोड़ी सी बड़ी डोरी लेते हुए और ले सकते हो। तो देखिए दो डोरी के लिए मैंने कट कर लिया है, और एक मैंने ऊपर के लिए हैंडल के लिए लिया है। करीब 12.5-13 इंच की ये पट्टी ली है, ये लेस ली है मैंने, और दो लटकन ली हैं। और देखिए जो पिन है हमारी उसमें हमें नॉट लगा देनी है इस तरीके से, और इसको हमें एक तरफ से इसको डालना स्टार्ट करना है। और जिधर से हमने डाला है अपनी डोरी को, उधर से ही आपको दूसरी साइड जो है इसके उधर से ही आपको निकाल देना है। तो देखिए इसी डोरी को हम डाल रहे हैं इधर से भी, और देखिए इधर से भी मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे हम इसमें नॉट लगा देंगे फिलहाल के लिए, ताकि ये निकले ना। तो इस गांठ को खोलने के बाद में यहाँ पर नॉट लगा दी है। अब दूसरी साइड में भी हम इस डोरी को डाल देते हैं, जो हमने जिस तरीके से इसे डाला है उसी सेम तरीके से हमें दूसरी वाली को भी डालना है दूसरी साइड से। तो देखिए मैं इधर से भी इसको डाल रही हूँ दूसरी साइड से, और देखिए यहाँ से ये निकाल ली, और फिर दूसरी साइड में आपको करना है। तो ये मैंने डोरी ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है, आपको अगर थोड़ा सा लटकाना है ज़्यादा ही लटकाना है बस, तो ये बड़ी हो जाएगी क्योंकि हम इसे खींचेंगे ना तो बड़ी हो जाएगी ये डोरी खींचने के बाद में। मैंने ये एक इंच करीब, ज़्यादा नहीं, एक इंच करीब बड़ी ली थी केवल, अगर दोनों साइड से नापो तो 2 इंच हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने लैस ली है, लैस को ही मैं लगाऊंगी इसकी जो लटकन वाली जगह है वहाँ पर। आप रेडीमेड लटकन भी लगा सकते हो, या फिर होममेड लटकन भी, मतलब कि घर पर कपड़े की बना के या लेस की बना के भी लगा सकते हो। और आजकल बहुत ही प्यारी प्यारी सी घर की ही लटकन बन रही है, तो मार्केट में पैसे क्यों खर्च करना। और अगर आपको बाज़ार की भी डोरी नहीं लगानी है तो आप घर पर भी बना सकते हो, जो हमारा कपड़ा है उसी की मैचिंग की बना सकते हो, या फिर आपका गोल्डन कलर का कपड़ा हो आपके पास तो उसकी भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमने डोरी में लटकन लटका दी है, और इसको हम सीधा करके इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी लटका देना है। तो ये हमारी लटकन बनके रेडी हो चुकी है। अब हम ऊपर वाली डोरी जो हमने ली थी उसको भी अटैच कर देते हैं। तो जो हैंडल है उसको भी हमने अटैच कर दिया। इस तरीके से पकड़ना है आपको, और आपको इसको 20 सेंटर निकाल लेना है दोनों साइड का, और इसे सेट कर देना है। और गैज अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारा ये पर्स पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।